Hello students, so our topic is moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer is an instrument which is used for detection and measurement of small electric currents. So it is also called as dead beat galvanometer. Aur iska working principle kya hai? It is based on the principle that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, then it experiences a torque. जब भी किसी की करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कॉइल के ऊपर क्या होता है, एक टॉक एक्ट करता है जो उसे क्या करेगा, मूव करेगा. तो इसी के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे. सो वी हैव दिस अरेंजमेंट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव दिस कॉइल पी क्यू आर एस वन विच इज़ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ओवर अ नॉन मेटेलिक मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम. सो और इसे क्या किया गया है, इसका जो सा एक एंड है, इट इज़ कनेक्टेड टू द टोर्शन हेड एच विच इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग बाय मीन्स ऑफ अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप. हेयर एम इज़ अ कनकेव मिरर विच इज़ हेयर टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल. और इसका जो नेक्स्ट एंड है, इट इज़ कनेक्टेड टू द टर्मिनल टी वन. और इसी तरह अगर हम देखें इसका लोअर एंड, ये तो अपर एंड था हमारे जो कॉयल था उसका, और जो इसका लोअर एंड है, इट इज़ कनेक्टेड टू द स्प्रिंग एस डैश. एक हेयर स्प्रिंग एस डैश से कनेक्ट किया गया है. और इसी स्प्रिंग एस डैश का जो नेक्स्ट सिरा है या नेक्स्ट हम पार्ट कहेंगे, इट इज़ अगेन कनेक्टेड टू द टर्मिनल टी टू. और इस सेटअप को हमने मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है विच इज़ जनरेटेड बाय द टू पोल पीसेस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, विच इज़ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल टू द प्लेन ड्रॉन फ्रॉम दैट ऑफ द कॉयल. दैट इज़ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो इसीलिए, और जो ये एल है वो एक सॉफ्ट आयरन कोर है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट देर शुड बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉयल एंड दैट ऑफ द ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है. सो इसी के बारे में आगे मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा गया है. मैंने इसी को रिटर्न फॉर्म में आपको बताया कि कॉयल इज सस्पेंडेड बाय अ मूवेबल टोर्शन हेड by means of a suspension fiber of phosphorus and bronze. It is again placed in magnetic field. और जो lower end है, it is connected to the hair spring S dash. और जो दूसरा end है S dash का, it is again connected to the terminal टू टी टू. और L क्या है, एक soft iron core रखा गया है जो कि rectangular shape का है. It is so held within the coil. Rectangular नहीं, actually it is cylindrical in shape है. So it is so held within the coil that the coil can rotate freely without touching this iron core and pole pieces. So this जो iron core का आगे function क्या है, it is again making the magnetic field रेडियल. रेडियल का मतलब क्या होता है, अब जो रेडियल फील्ड की हम बात करें कि जो सॉफ्ट आयरन कोर मैंने रखा, इस तरह से प्लेस किया गया है कि वो जो आपका कोयल मूव करे तो वो टच ना करे कोयल से या फिर आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले पोल पीसेस से. तो मोर ओवर, ये एक तो ये फंक्शन हो गया उसका. मोर ओवर सेकेंड क्या है सॉफ्ट आयरन कोर का फंक्शन, कि ये रेडियल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर रहा है. रेडियल किस तरह से, अब रेडियल फील्ड किसको कहेंगे हम, कि द प्लेन ऑफ द कॉयल इन ऑल द पोजिशन रिमेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस सिचुएशन के जब आपका जो प्लेन है किसका, कॉयल का प्लेन अगर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो उस केस के अंदर हम कहेंगे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, रेडियल है. और या मैं कहूँ कि अगर मैं कोई नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, वो क्या रहता है कि उसके पैरेलल रहता है. एम क्या था हमारा, कनकेव मिरर है जो हमने फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ अटैच किया है विच विल हेल्प अस टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल. और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या किया, इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ नॉन मेटेलिक केस. अब नेक्स्ट आती है थ्योरी. जैसे कि हमें पता है हमारा जो कॉयल था पी क्यू आर एस वन, उसमें करंट फ्लो हो रहा है एज इट इज़ कैरिंग करंट आई एंड इट इज़ सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब हम करंट कैरिंग कॉयल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक टॉक एक्सपीरियंस करता है. और उस टॉक की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इट इज़ गिवन बाय द टाओ विच इज़ एक्चुअली द न्यूमेरिकल सिंबल ऑफ अ टॉर्क एंड इट इज़ इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन अल्फा, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न दैट आर प्रेजेंट इन द कॉयल, आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच दैट कॉयल इज़ प्लेस्ड and A is the area and sine of alpha, where alpha is the angle which the normal drawn on the plane of the coil makes with the direction of magnetic field. यानी alpha वो angle है, अगर हम एक normal draw करते हैं coil के plane पे, तो वो normal जो है वो angle किसके साथ बना रहा है, magnetic field के साथ जितना angle बनाता है उसे हम कहते हैं ये alpha, sine of that angle alpha. अब हम जानते हैं कि हमारा जो magnetic field है वो तो radial है,
रेडियल का मतलब मैंने आपको वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो प्लेन ऑफ कॉयल है वो क्या होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्शन. तो उस केस में जो अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 90 डिग्री. तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू तो हमारे पास जो स्टॉक आएगा वो फाइनली क्या आएगा, एन आई बी ए. और आपके इसी टॉर्क की वजह से जो आपका कोयल है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा. जब ये टॉर्क एक्ट करेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा, और जो डिफ्लेक्शन की वजह से जो आपकी स्ट्रिप है वो क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी. और उसके बाद एक हो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा विच विल ट्राई टू कीप दैट अगेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन. जब आपका पहला टॉर्क एक्ट किया आपकी उसके ऊपर, कोयल के ऊपर, तो उस टॉर्क ने क्या किया, उसे मूव कराया कोयल को, और जो आपकी जो स्ट्रिप थी उसके साथ कनेक्टेड थी फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज स्ट्रिप, वो भी क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी. लेकिन अब क्या है, एक और जो सा टॉक है आपका जिसे हम रिस्टोरिंग टॉक कह रहे हैं वो अपने एक्शन में आएगा, वो एक्ट करेगा और वो ट्राई करेगा कि मैं कोयल को दोबारा उसकी ओरिजिनल और इनिशियल पोजिशन के अंदर लेकर के आऊँ. सो लेट इफ थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द स्ट्रिप एंड के बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो उस केस के अंदर जो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना एक्ट करेगा, के इंटू थीटा. अगर अब जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी दोनों को, अगर हम ये इनिशियल टॉर्क था और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क था दोनों को हम इक्वेट कर दें, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, और इसमें से जो हम आई है करंट की वैल्यू उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ ये आता है ए अपॉन एन बी ए इंटू थीटा. अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है, कॉन्स्टेंट है, कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा, एंड नंबर ऑफ कॉइल्स एक बार वो कर दिए फिक्स है, के भी हमारा क्या है रिस्टोरिंग टॉक है एंड इट इज़ फिक्स. तो वैन तो हमारे पास जो अब आ गई वैल्यू, इस पूरे को हम एक कॉन्स्टेंट जी के हेल्प से डिनोट करेंगे और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इट कम्स आउट टू बी आई इज इक्वल्स टू जी थीटा. सो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा आई है करंट है जो फ्लो कर रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन दैट इज थीटा. सो इससे क्या शो हो रहा है कि दिस शोज दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. अब इसकी बात आती है, हम जो इसकी सेंसिटिविटी की बात करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की जो बात हम गैल्वेनोमीटर के अंदर करते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोस थ्रू इट, कि वो कितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है अगर उसके पास यूनिट करंट, यूनिट मैग्नीट्यूड का करंट उसमें फ्लो हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी. एंड इट इज़ इक्वल्स टू द थीटा दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस अपॉन आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज गिविंग द करंट सेंसिटिविटी. और इसके यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर एम्पियर. इसी तरह हम आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पे. वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज सप्लाइड अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर. सो यहाँ भी हमारा क्या होगा, नोटेशन बन जाएगी, थीटा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस अपॉन द मैग्नेटिक अपॉन द आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन टू टर्मिनल वी, विच वी कैन बी फर्दर रिटन एज आई आर विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ. सो अगर हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस. सो ये जो आर है, आर इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आपकी जो वी एस है उसका ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आया है, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, रेडियन पर वोल्ट्स. अब आती है फाइनली हमारे पास कि हम जो हमारा गैल्वेनोमीटर है हम चाहते हैं सेंसिटिव हो. सेंसिटिव का मतलब है कि वो छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करे, छोटे से छोटे करंट के कोरस्पॉन्डिंग वो एक मिजरेबल अमाउंट ऑफ डिटेक्शन जोन से है, सॉरी डिफ्लेक्शन जोन सी है वो प्रोड्यूस करे. तो उसके लिए अब क्या कंडीशंस हैं, अगर हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर हमारा सेंसिटिव हो, दैट इज़ इट शुड शो लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये थी, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई, थीटा हम अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लार्ज कर सकते हैं, बी लार्ज कर सकते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ए की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, एरिया ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद के क्या है उसको हमने स्मॉल करना है. इन वैल्यूज़ को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसे इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि हमें एक अच्छे मेजरेबल अमाउंट ऑफ करंट या डिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिले और ये काफ़ी स्मूथली वर्क करे. So this is all about moving coil galvanometer. It is a very important topic of physics. So hope you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe my channel Science Analytica, and do you can ask about your queries in the section of comments given below. Thank you.